चल रहा है। पिछला एक साल पहले भी 2021 में भी इन्होंने जो है ना फिरौती मांगी थी कि दलेर कोटिया यूएसए में बैठ के मांग रहा है तो अपने बंदे भेजता है यहाँ पे, तो उस टाइम वो लोग पकड़े गए थे, दो तीन लोग जो फिरौती लेने आए, तो अब उनकी पता लगा है कि उनकी जमानत हो चुकी है और अब उसने यही कहा है कि अब की बार तो लेट हो गया और ये वार्निंग है, दोबारा मैं लेट नहीं होने दूंगा और जो नहीं देगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और उसने एक को नहीं सभी डॉक्टर्स को और व्यापारियों को सबको धमकी दी है फेसबुक के ऊपर जो है ना पोस्ट डाल के। यहाँ पे 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है ना इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे इंद्री से भी हैं, करनाल से भी है और हसन से भी हैं, डीसी साहब से हमारी बात हुई है, एमपी साहब से भी हमारी बात हुई है, एसपी साहब से भी हमारी बात हुई है। अब उनका कहना तो ये है कि भी जो है ना वो कल तक जो है ना शायद उन तीनों को पकड़ेंगे, लेकिन उन तीनों के पकड़े जाने से तो कुछ भी नहीं होता। जो आदमी बैठा जो करवा रहा है वो तो आज ये तीन है, कल को और तीन को ही भेज देगा। जब तक ये उसको नहीं लेके आते वहाँ से यूएस से, वो उसका कोई कार्रवाई नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये उसको नहीं पकड़ते हमारा एजिटेशन इसी तरह चालू है। सभी बड़े व्यापारियों को डॉक्टरों को ही धमकी दी जा रही है। हाँ जी हाँ जी। सॉफ्ट है मेरा डॉक्टर सुनील राणा, प्रेसिडेंट नीमा डिस्ट्रिक्ट करना। बाकी आपको बताइए पूरे हरियाणा के अंदर ये सारा काम चल रहा है और आश्वासन के सिवाय प्रशासन के पास कुछ नहीं है। पहले भी दिया था एक हफ्ते में भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, ये लगा कि प्रशासन सीरियस है या सरकार सीरियस है। बाकी डीसी साहब ने बोला कि आज शाम तक आपको जो और मैसेज इशू हो जाएगा और आगे एसपी साहब से बात करके जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे और कुछ उनको सिक्योरिटी भी दी गई है और उसको आगे बढ़ाने की बात भी कह रहे हैं। बाकी देखते हैं बड़े व्यापारियों को ये सबको मिलेगी, जिस पे जो काम करके खा रहा होगा उनको सबको मिलेगी। ये अभी डॉक्टर्स हैं, व्यापारी हैं, कल को जो कोई और भी काम कर रहा होगा सभी को यही काम हो रहा है। इसके अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो यंगस्टर हैं वो थोड़ा इस चीज़ को बड़े उनसे लेते हैं कि इससे इजी मनी कमाने का सबसे आसान साधन है ये, इस वजह से लोग इसके ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो काम करके खा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर नरेंद्र वाले। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आज आपको दिखाएं कि सभी यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपको बता दें कि व्यापारियों को डॉक्टर्स को लगातार जो है धमकियां मिल रही है, किस तरीके से जो है फायरिंग कर दी जाती है और अब कार्रवाई की मांग ये लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा परेशान है और यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? राम निवास गुप्ता। असंद में जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए हम डीसी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे। जी, इससे पहले भी आपको आश्वासन मिल चुका है? नहीं, डीसी साहब से तो पहली बार ही मिले हैं, ऐसा आश्वासन में लोकल स्तर पे तो पुलिस ने कहा है। सर बस व्यापारियों को और डॉक्टरों को ही मिल रही है धमकियां? हाँ, अभी तक तो ऐसा ही है कि व्यापारियों को फायरिंग करने की बात की जाती है उनके द्वारा। फायरिंग तो एक जिस ढंग से उन्होंने फायरिंग की है उससे जान माल का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो एक दहशत पैदा करने वाला काम है। हम ये कर सकते हैं तो वो आगे पूछ सकते हैं। काम करते हुए कहीं ना कहीं फिर डर बना रहता है? देखो ऐसा तो होता ही है, एक्चुअली जब हॉस्पिटल के अंदर आ गए या उसके बाहर आ गए अंदर कायम करना, मरीजों में भी खौफ होता है, पब्लिक में खौफ होता है, डॉक्टर भी अपना सही तरीके से काम नहीं कर सकता, तो जब अंदर काम करेगा अपनी सुरक्षा करेगा या मरीजों की सुरक्षा करेगा या क्या करेगा। क्या मांग करते हैं सर आप? क्या मांग यही करते हैं, हमें बेखौफ हो गए, काम करने दिया जाए, प्रशासन अपनी भूमिका ठीक निभाए और ऐसा जो अपना डर पैदा करने वाले लोगों के लगाम कसी जाए। धन्यवाद। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनका सिर्फ यही कहना है कि हमें जो है सेफ्टी प्रदान की जाए क्योंकि जनता के अंदर और सभी डॉक्टर्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं डर पैदा होता है, डर का माहौल बना रहता है जिसमें जो है काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो बड़े व्यापारी हो, सभी काम करते हुए डरेंगे और जो लोग काम कर रहे हैं जो कि अच्छा कमा रहे हैं उन्हीं लोगों की को जो है धमकियां मिल रही हैं लगातार। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी डरे हुए भी हैं इस वक्त, इनको जो है आज